सीना आएगा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली मेहनत से, और उस मेहनत की जिम्मेदारी किस पर है? किस पर है भाई? बहुत सारे कहते हैं इन्हें ले जाओ ये फारिग है। क्या मतलब? ये फारिग लोगों का काम कि बात तो आपकी ठीक है, मैं मसरूफ आदमी, बात तो आपकी ठीक है, मैं तो अभी नया हूं, मैं तो बड़ा, मेरी तो दुकान है ना जी, आपको पता है ना जी। ओ भाई ये काम है। लोग बहुत सारे पता क्या कहते हैं, जो आप बात कह रहे हो ना, अल्लाह को राजी करना, दीन पर चलना, आखिरत की तैयारी करना, दीन को दुनिया में फैलाना, अल्लाह के कलमे को बुलंद करना, ये सब बातें ठीक हैं। हाँ, और ये काम करने मैंने क्या कहते हैं, जरा मैं सेट हो जाऊं, जरा मैं क्या हो जाऊं, हाँ जरा घर सेट हो जाए, जरा बच्चे सेट हो जाए, जरा दुकान सेट हो जाए, जरा कारोबार सेट हो जाए, जरा फैक्ट्री सेट हो जाए। अब मौलवी साहब फिर करना ही यही है, असल काम तो है ही है, जरा मैं सेट हो जाऊँ। 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल से ये जुमला बोल रहा होता है कि जरा मैं सेट हो जाऊँ, इतने में खबर आती है मौत हो गए, फिर गुसल हुआ और कफन हुआ और जनाजा हुआ और कब्र में उतारा और क्या कहा, इनके कफन की गिरें खोल दो और इनका चेहरा किबले की तरफ फेर दो। फिर ऊपर से आवाज आती है, हाँ ये सेट हो गए, इन पर मट्टी डाल दो। 2 साल 4 साल से कह रहा था जरा मैं सेट हो जाऊं, वो तो कहां जाके सेट हुआ, कब्र में। ऐसा सेट हुआ कि मट्टी डाल दी। किसने? बच्चों ने। वो बच्चों को सेट कर रहा था, बच्चों ने बाप को सेट कर दिया, अपने हाथ भी कब्र में झाड़े। तेरा नौकर अपना हाथ तेरी कब्र में झाड़ेगा। ओ भाई ये दुनिया धोखा है, हमारा असल काम है अल्लाह के दीन को दुनिया में फैलाना। भाई ये 2.5 घंटे, भाई ये से रोजा, चलो भाई ये तो करीब करने के लिए है, ये थोड़ा सा छुट्टी इज्तिमा में आए, छुट्टी इज्तिमा खत्म, छुट्टी। मैंने एक साथी से पूछा रायवड़ के इज्तिमा के बाद कि माशाल्लाह 3 दिन यहाँ रहे, बयान सुने, मुजाकरे सुने, जो जुमा पढ़ के जा रही होती है किस नियत से, दोबारा कब आना है मस्जिद में अगले जुमे, उनकी नियत ही नहीं है सर पढ़ने। ये बहुत सारी इज्तिमा में क्या है, इज्तिमा पार्टी। अब इज्तिमा में आए तो दोबारा कब आएंगे, इज्तिमा कब होगा हमारे साहब, इज्तिमा कब होगा, इज्तिमा कब। वो भाई काम कह रहे हैं, काम है, ये छोटी सी जिंदगी है, अल्लाह ने बहुत बड़ा काम दिया, पूरा दीन पूरी दुनिया में जिंदो। कुरान हिफ्ज करने की नियत से शुरू किया, अभी आधा से बारह भी हिफ्ज नहीं हुआ, मौत आ गई। अल्लाह क्यामत के दिन, अल्लाह क्यामत के दिन उसको हाफिजों में उठाएंगे। हज की नियत से चला, अभी रास्ते में था कि मौत आ गई, अल्लाह क्यामत के दिन उसको हाजियों में उठाएंगे। ये सारा मजमा नियत कर ले भाई, पूरी दुनिया में पूरे दीन को जिंदा करना है इंशाल्लाह, अपनी सलाहियतें दीन के फैलाने पर लगानी है इंशाल्लाह। देखो 3 तरह से काम चलते, कितनी तरह से भाई, जोर, ताकत, जर, पैसा, जारी, मिन्नत, खुशामद। तबलीग का काम न जोर से चलता है, न जर से चलता है, किससे चलता है भाई, जारी, दिन में लोगों की मिन्नत खुशामद, और रात को किसकी भाई, ये मजमा बहुत कीमती मजमा है, हाँ बड़ा अहम मजमा है, हर तबके के लोग। और सच्ची बात है, ये मजमा खुद नहीं आया, कौन लाया है, ये बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की बात को बोलना सुनना, इस माहौल में आना, ये नेमत है, नेमत है, नेमत है, इसकी कदर क्या है। ये जो बात कही जा रही इसको करो भाई, ये जो सुनी जा रही इसको करो भाई, ये कहना सुनना करने के लिए, सिर्फ कहना सुनना बराए कहना सुनना नहीं। हमारे दिन अजीब मुश्ताक साहब राय मेरा तर्जुमा था, अरबों में बयान फरमा रहे थे, वहां लगे आज तबलीग में क्या हुआ, कहने वाला कह के बारे, सुनने वाला सुन के बारे। उस पर मिसाल दी उन्होंने कि बीवी जो है अपने खामी से कह रही, सुबह जब जा रहा था वो दुकान अपने काम पे, कि भाई चीनी खत्म हो गई, चीनी लानी है, बहुत अच्छा। आटा भी खत्म हो गया, आटा भी लाना है, बहुत अच्छा। चाय भी खत्म हो गई, चावल भी खत्म हो गए, बहुत अच्छा। घी भी थोड़ा सा रह गया, घी भी लेते आना, फुला चीज भी लेते आना। वो बोली जा रही, वो सुनता जा रहा है, शाम को आया तो खाली हाथ। बीवी ने कहा मैंने तुम्हें ये कहा था, ये कहा था, ये कहा था, उसका क्या बना? उन्होंने कहा तुझे कहने का सवाब, मुझे सुनने का सवाब। ओ भाई ये कहना सुनना करने के लिए भाई, ये कहना सुनना किसके लिए भाई,
छोटी सी जिंदगी है, काम करें, असल आखिरत है, मर जाना, छोड़ जाना है, ये सब कुछ खत्म हो जाता। एक वक्त हम दुनिया में नहीं थे और दुनिया का निजाम चल रहा था, और एक वक्त आएगा हम दुनिया में नहीं होंगे और दुनिया का निजाम चल रहा होगा। आज हम सब जमीन के ऊपर हैं और कुछ अरसे बाद हम सब जमीन के नीचे। आज ही मुश्ताक साहब का बयान था अरबों में, मैं तर्जुमा कर रहा था, हम उनकी बातें ऐसी होती थी बाद में तर्जुमे समझ में नहीं आता, तो बयान में कहने लगे, कोई कहता है हिंदुस्तान हिंदुस्तान, कोई कहता है पाकिस्तान पाकिस्तान, हिंदुस्तान ना पाकिस्तान, कब्रिस्तान कब्रिस्तान। वो अरब मुझे कहे तर्जुमा करो, मैं कहा मैं क्या तर्जुमा करूँ उसका। ओ भाई सब छोड़ जाना, असल काम करें। पांच जरूरतें हैं, उनको सादगी पर ले आए, खाना सादा करें, कपड़े सादा करें, मकान सादा करें, शादी सादी करें और सवारी को सादा बनाएं। जोर लगे किस पर? दावत, दीन, तबरीक, अल्लाह का पैगाम, ज़ेरोज़ा, चिल्ला, तीन चिल्ले, साल, सात माह, रोजाना की मेहनत, रोजाना का मशवरा, रोजाना की मुलाकातें, घर घर फिरना, जगह जगह फिरना, अल्लाह के पैगाम को पहुंचाना, ज़ेरोज़े की जमा निकले, ताकत खर्चो, चिल्ले तीन चिल्ले की जमा निकले, इसमें कुव्वत खर्चो, इसमें सलाहियत लगे, मशरे में बैठे, चुकन्ना होके बैठे, चुकन्ना होके राय दे, जो मेहनत करेगा वही राय देगा ना, तो सारा दिन मेहनत नहीं करता वो राय क्या देगा, वो राय क्या देगा। अल्लाह ने बहुत बड़ा काम दे दिया भाई, बहुत ऊंचा काम दे दिया, बहुत ऊंचा, अंबिया वाला काम, अंबिया वाला काम। किसी को सफीर बना देना हुकूमत एक महीने के लिए आर्जी तौर पर, और 20 साल पुरानी बात है तो अभी तक उसके भतीजे और भांजे लोगों को बताते, मेरा चचा सफीर रहा है, मेरे ताया सफीर रहे हैं। सफीर होने को इतनी बात समझते, इतनी बड़ी बात। जो तबलीग का काम करेगा वो किसका सफीर बनेगा? हुकूमत का सफीर होना बड़ी बात कि अल्लाह का सफीर होना बड़ी? या अय्युहल लदीना आमनू कूनू अंसारल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह के दीन के मददगार बन जाओ। ऐ ईमान वालो अल्लाह के दीन के मददगार बन जाओ। अल्लाह किसी के मोहताज नहीं, अल्लाह का दीन किसी का मोहताज नहीं। जो दीन का काम करेगा दीन भी चमकेगा, वो खुद चमकेगा। जो दीन का काम नहीं करेगा दीन थोड़ा मिटता है, वो खुद ही मिट जाएगा। बादशाह किसी को अपनी खिदमत के लिए रख ले, ये बादशाह का एहसान है, खादिम का कमाल नहीं। अल्लाह जिससे दीन का काम ले, काम करने वाले का कमाल नहीं, ये तो अल्लाह का एहसान है। लेकिन अल्लाह किससे काम लेगा? भाई साहब फरमाया करते थे, जो तैयार होगा इस काम के लिए अल्लाह उसी से काम लेगा। जो कहेगा ना मैं तैयार हूँ, और जो कहता मेरे पास टाइम नहीं, मैं तो मसरूफ हूँ, मेरी तो दुकान है, मेरा तो घर है, मेरी तो मसरूफियत है, मेरी तो बड़ी जिम्मेदारी है, अल्लाह तो कुछ के मोहताज नहीं। जा अपना काम करो भाई, अपना काम करो। दीन का काम अल्लाह के फजल से होता है, अल्लाह के करम से होता है। अल्लाह किसे तौफीक देते हैं? जो अपने आप को पेश करता है। ये जितना मजमा बैठा हुआ है आज तक हमसे, जो इस काम में, दावत के काम में, तबलीग के काम में, ये अपने अपने मोहल्लों का इंजन बैठे, अपने अपने इलाकों का इंजन बैठे। इंजन तेज चलेगा डब्बे तेज, इंजन आहिस्ता डब्बे आहिस्ता, इंजन खड़ा डब्बे खड़े। ये सारा जो मजमा है, अगर ये रोजाना मेहनत करे, इलाके का काम बढ़ेगा, नमाजियों की तादाद बढ़ेगी, मस्जिदें आबाद होंगी, जिला तीन जिले का खुरूज बढ़ेगा, देहातों में शहरों में अल्लाह का पैगाम पहुंचेगा, फिर एक नमूना बनेगा कि दीन इसको कहते हैं। सिर्फ किताबों से दीन नहीं समझा जाएगा, तकरीरों से दीन नहीं समझा जाएगा, अमली तौर पर नजर आएगा। सहाबा के जमाने में लोग मुसलमान होते थे, मदीने आते थे दीन सीखने के लिए, किताबों से नहीं, तकरीरों से नहीं, मुजाकरों से नहीं। हाँ, कैसे दीन सीखते थे? उन्हें अमली तौर पर नजर आता था, मुआशरत वाला दीन, अखलाक वाला दीन, मुआमलात वाला दीन, घर वाला दीन, मस्जिद वाला दीन, मालदारों का दीन, गरीबों का दीन जिंदगी में नजर आता था। आंख से देखते थे, दीन को समझते थे, एक हफ्ता ठहरते थे, दो हफ्ते ठहरते थे, एक अशरा ठहरते थे, दो अशरे ठहरते थे और वापिस जा रहे होते थे। और कितने सहाबा के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया, कद फकू हर रजुल, यानी फकीह बन गए, दीन की समझ पैदा हो गई, किताबों से नहीं, तकरीरों से नहीं, आपने तौर पर दीन नजर आता था। आपने एक चीज को देखा, एक चीज को सुना या पढ़ा, ज्यादा असर किसका होगा? जो आंखों से देखा है।
आपने सुना कि एक्सीडेंट हुआ, 100 आदमी मर गए। अखबार में पढ़ा एक्सीडेंट हुआ है, 100 आदमी मर गए। अपनी आंखों से देखा एक्सीडेंट हुआ है, एक आदमी मर गया। आपके दिलो दिमाग पर ज्यादा असर किसका होगा? एक का, क्योंकि देखा है, 100 का नहीं, सुना है। दीन सुन के नहीं, पढ़ के नहीं, देख के समझा जाता। ऐसा मुआशरा वजूद में आए जब 100% दीन जिंदा हो। एक साथी आया किसी इलाके का, मैं वहां राइट बैठा था, सुबह खतूत में एक साथी आया, उसने अपने काम की तारीफें की। ओहो, हमारे इलाके का काम, इतना बड़ा शबे जुमा, इतना बड़ा मरकज, इतनी साल की जमातें, इतनी सात माह की जमातें, और इतना मंगल का मशवरा, और इतनी सरोजे की जमातें हर हफ्ते, और इतनी चिल्ले की जमातें, और हमारा इतना बड़ा इज्तिमा हुआ। ओहो, वो ऐसे बातें कर रहा था जैसे काम हो चुका। मैंने कहा, अच्छा भाई, आपके इलाके में कोई मस्जिद है जहाँ फजर की नमाज में जुम्मे की नमाज का माहौल बनता हो? कि नहीं, ऐसी मस्जिद हो। आपके इलाके में कोई मार्केट है जो आजान पे बंद हो जाती हो? ये ऐसी मार्केट तो कोई नहीं। आपके इलाके में जमींदार लोग जो हैं वो उशर अदा करते हैं? कि नहीं, जिस उशर की तो बात ही नहीं सुनी। अच्छा, आपके इलाके के लोग जो हैं बहनों को विरासत में हक देते हैं? बहनों को विरासत में हक देते हैं? तो ये बात तो मैंने कभी सुनी कोई नहीं। वो भाई, खुश किस बात में हो रहे हो? कितने लोग हैं बहनों को हक नहीं देते? अपनी बहन का 100 रुपया चोरी नहीं करते 20 लाख रुपए दबाए में? बहन के घर खाना खाने को अहम समझते हैं कि बहन के घर खाना खाएं? और बहन के 25 लाख रुपए दबाए? और अजीब बात कहते हैं बाज लोग, हमने हमने जहेज दे दिया था। एक आदमी से पूछा कि भाई, तुमने फजर की नमाज क्यों नहीं पढ़ी? कहता, मैंने तहज्जुद पढ़ ली थी, अपनी मर्जी का दी। तो मैंने कहा, भाई तुम खुश किस बात पे हो रहे हो कि इतना मजमा है और इतना खुरूज है और इतना बड़ा मरकज है और इतनी साल की जमाते हैं? भाई, तबलीग से मकसूद तीन जिंदा हो। किसी ने आकर कहा, हमारे इलाके में इतने अस्पताल हैं और इतनी फ्री डिस्पेंसरियां हैं और इतनी दवाइयों की कंपनियां हैं और इतने डॉक्टर हैं और इतने क्लिनिक हैं और इतने फुला हैं। उससे पूछा, भाई तुम्हारे इलाके में तंदुरुस्त लोग कितने हैं? कहता, बीमार सारे। तो खुश किस बात में हो रहे? तबलीग में कहे, पूरा दीन जिंदा हो और पूरी दुनिया में जिंदा हो, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो ये सारा मजमा, आज तक जो गफलत हुई उस पर अल्लाह से माफी मांगे, और जो बकिया जिंदगी रह गई इसके बारे में अजम कर ले कि अपनी बकिया जिंदगी को दीन फैलाने पर लगाएंगे इंशाल्लाह। इसको अल्लाह से मांग ले, अल्लाह हमें इस काम के लिए कबूल फरमा, अल्लाह ये काम करना हमारे लिए आसान फरमा, अल्लाह हमें इस्तिकामत नसीब फरमा। तो सब तैयार है ना इंशाल्लाह जी? तो बोलो भाई, हिम्मत करके भाई बोलो भाई। नकद चिल्लाती चिल्ले भाई, जाना नहीं किसी ने भाई, जाना नहीं किसी ने भाई। नकद चिल्लाती चिल्ले वो खड़े हो भाई। जो सुना गया, अल्लाह इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुँचाने वाला।